सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने ना ही कोई व्लॉग वीडियो लेके आई हूँ, ना ही कोई मेकअप प्रोडक्ट का मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी, ना ही मैं आप लोगों को कोई DIY नुस्खे बताऊंगी। आज मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस के बारे में। हाँ जी, आज मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइज, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हैं। अगर वो लोग मजाक में कोरोना वायरस को ले रहे हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों का और इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। गाइज, जन्म से लेकर अब तक सरकार ने आपकी कॉलर ट्यून कितनी बार बदली है? आज तक दो देशों की सीमाओं पर पूर्णतः कितनी बार प्रतिबंध किया गया? कितनी बार विद्यालयों की परीक्षाएं रद्द की गई? या फिर कितनी बार मॉल सिनेमा हॉल बंद किए गए? या फिर कितनी बार न्यायालय अन्य कार्यालय बंद किए गए? या फिर भारत सरकार ने कितनी बार वायरस पे 144 की धारा लगाई? क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा? नहीं ना। गाइस, प्रॉब्लम ये है कि सरकार जनता को पूरी बात नहीं बता पा रही है कि कहीं जनता घबराए ना, लेकिन सरकार जनता को चेतावनी बार बार दे रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि जनता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन हमारी जनता को मजाक से फुर्सत कहाँ है? जिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग गूगल पे इटली और चीन की स्थिति देख सकते हैं, तब जाके उन लोगों को पता चलेगा कि सरकार हमें क्यों चेतावनी दे रही है, क्यों हमें बोल रही है घर से बाहर न निकलें। गाइस, जागो और जगाओ, ये ही एक मात्र विकल्प हमारे पास रह गया है। गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि काफी सारे लोग कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को सोशल साइट पे देखा है कि इस चीज को मजाक बनाया जा रहा है, मजाक में लिया जा रहा है, और वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये वायरस उन्हें बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर होगा ये वायरस तो बच्चों और बुजुर्गों का होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वायरस किसी को भी हो सकता है। इसे आप लोग बिल्कुल भी मजाक में मत लें। अगर आप लोगों को अपनी सेहत पसंद है तो जो भी हमारी गवर्नमेंट सरकार कह रही है वो आप लोग करें, अपने मन की ना करें। आप लोगों ने काफी सारी वीडियो देखी होंगी सोशल साइट पे, जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, जो लोग हॉस्पिटलों में हैं, जो लोग अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रही हैं, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें मजाक लगती हैं? अगर हाँ तो आप लोग खुद को बदलिए, इस चीज को आप लोग मजाक में मत लीजिए। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक चीज है। आप लोगों ने इस चीज को अहमियत देना है, इस चीज को समझना है कि क्यों सरकार हमें ऐसा बोल रही है, क्यों हमें चेतावनी दे रही है कि हम लोग घर में रहें, बाहर ना जाएं। हमारी सेहत के लिए ही सरकार हमें चेतावनी दे रही है। अगर आप लोगों को फिर भी ये चीज़ें मजाक लगती है ना गाइस, तो आप लोग अपने आप को बदलिए, पूरे देश को बदलने की आप लोग कोशिश ना करें। तो गाइस, मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को अपने इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। अगर आप लोग बाहर निकलते हैं तो आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। सो गाइस, इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी। बी केयरफुल, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। अगर हमारी सरकार हमें कुछ कहने को बोल रही है या फिर हमें कुछ बता रही है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान। गाइस, आज की मेरी वीडियो इतनी ही सी थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी इस चीज को मजाक ले रहे हैं तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस चीज को मजाक में आप लोग ना लें। तो आई होप गाइस, आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगा हो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग भी कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी सेफ।